welcome students today we will talk about a very important and interesting topic that is blood group number of blood groups are known but here i am going to discuss about antigens and antibodies of abo blood group system so let's start blood group is a classification of blood based on the presence and absence of antibodies in the serum एंड इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटांसेज ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स ठीक है किसी भी ब्लड ग्रुप को क्लासिफिकेशन हम इस बेस पे करते हैं कि उसमें जो सरम में प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ है वो प्रेजेंट है या एबसेंट है या आर पे जो प्रेजेंट एंटीजन है वो प्रेजेंट है या एबसेंट है ध्यान देने की बात है कि ब्लड ग्रुप जब टेस्ट करते हैं तो उसकी एंटीबॉडीज सिरम में होगी और एंटीजन जो है वो आर के सरफेस पे होती है ठीक है दीज एंटीजेंस मे बी प्रोटीन्स मे बी कार्बोहाइड्रेट मे बी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम जिस भी तरह का ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग ये एंटीजेंस या कार्बोहाइड्रेट हैं या ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट हैं और आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीजन है दैट इज़ प्रोटीन ओके एट प्रेजेंट थर्टी फाइव ब्लड ग्रुप सिस्टम्स रिप्रेजेंटिंग ओवर थ्री हंड्रेड एंटीजें आर लिस्टेड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बट ओनली अबाउट ट्वेंटी आर जेनेटिकली डिटर्मिट ये गैप हो गया है जेनेटिकली डिटर्मिट एमउ ट्वेंटी दीज ट्वेंटी ब्लड ग्रुप्स द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर ए बी ओ एंड आर एच नंबर ऑफ नॉन जो ब्लड ग्रुप्स हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन जो है सिस्टम दैट इज़ ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम दैट डिटरमिन सम ब्लड टाइप दैट इज़ ए बी ए बी एन ओ विथ पॉजिटिव नेगेटिव और नल डिनोटिंग आर एच डी स्टैटस किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है हम देखते हैं कि ए पॉजिटिव या ए निगेटिव बी पॉजिटिव बी नगेटिव ए बी पॉजिटिव या बी ए बी नेगेटिव और ओ पॉज़िटिव और ओ निगेटिव होता है इसका मतलब कि जो आर एच एंटीबॉडी है दैट इज़ एंटीबॉडी जो सॉरी एंटीजन डी एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करता है कि वो आर फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ठीक है तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे इस एंटीजन ब्लड ग्रुप आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में और इस चैप्टर में हम सिर्फ ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं ठीक okay? तो ये हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम हो जाएंगे और ए बी ओ ब्लड ग्रुप में फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आपको मिल रहे हैं ए बी ए बी एंड ओ नाउ ब्रीफ हिस्ट्री इट वॉज नॉट अंटिल द ईयर 1900 हंड्रेड वेन ला कार्ड लैंडस्टेनर एस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट फिजिशियन एंड इम्यूनोलॉजिस्ट At the University of Vienna, discovered why some blood transfusion were successful, while other could be deadly. Karl Landsteiner ने ये देखा कि जो है क्यों जो है आ, कुछ blood का जो है blood जब transfusion होता है तो successful हो जाता है और कुछ cases में successful नहीं होता death cause हो जाती है। तो ये कार्ल लैंड स्टेनर के पहले मतलब नाइनटीन हंड्रेड से पहले ये कुछ भी नोन नहीं था ठीक है लैंड लैंड स्टेनर द ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन नाइनटीन हंड्रेड वन बाई मिक्सिंग द रेड सेल्स एंड सिरम ऑफ ईच ऑफ हिज स्टाफ उन्होंने अपने ही स्टाफ के सिरम और ब्लड सेल्स को लेके ये एक्सपेरिमेंट किया इन 1901 में ठीक है एंड ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द सरम ऑफ सम पीपल एग्लूटिनेटेड द रेड सेल्स ऑफ अदर उन्होंने ये फिर डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एक पर्सन का जो सिरम होगा वो किसी दूसरे के रेड सेल को एग्लूटिटिनेट कर सकता है ओके फ्रॉम दीज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ही आइडेंटिफाइड थ्री टाइप्स ऑफ वर्ल्ड तो इस अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने थ्री टाइप्स के ब्लड ग्रुप को शोकिया टाइप बताया दैट इज़ ए बी एंड सी सी वॉज लेटर टू बी री सी पहले जो है सी कहा जाता था जो बाद में ओ के नाम से जाना गया ठीक है तो रीनेम्ड ओ फॉर द जर्मन ओहने तो ओ कहाँ से आया जर्मन वर्ड्स ओहने से आया ठीक है मीनिंग विदाउट और जीरो नल इन इंग्लिश जिसकी मीनिंग इंग्लिश में या तो हम विदाउट कह सकते हैं ओने की मीनिंग जो जर्मन वर्ड जो है ओने इट मीनस कि विदाउट ज़ीरो नल इंग्लिश में हम उसको कहेंगे इसका मतलब कि कुछ ऐसा है जो ओ ब्लड ग्रुप में नहीं है निल है एबसेंट है ज़ीरो है ठीक है तो ये ओ ब्लड ग्रुप है तो ए बी सी के बजाय हम अब ए बी ओ ब्लड ग्रुप लैंड स्टैंडर्ड ने इसको कहना शुरू किया द फोर्थ लेस फ्रिक्वेंट ब्लड ग्रुप ए बी वॉज डिस्कवर्ड ए लेटर ईयर लेटर ठीक है तो नेक्स्ट ईयर में ए बी ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी हुई ठीक इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी लैंड स्टेनर रिसीव नोबल प्राइज इन द फिजोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर हिज वर्क अपने वर्क के लिए लैंड स्टेनर ने 1930 में नोबल प्राइज रिसीव किया फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की फील्ड में ओके नाउ लेट्स सी हियर देर इज अ प्रिकर्सर दिस आरबीसी इज़ अ प्रिकर्सर आरबीसी बी सी न्यूक्लियस ये इंपॉर्टेंट क्यों है आरबीसी में हम जानते हैं कि मैच्योर आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस एंड हियर प्रसर आर बी सी बेछाव न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे डीएनए भी है डीएनए है तो यहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन भी होगी ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा बिकॉज ट्रांस प्रकर्सर आर बी सी फॉम ऑन प्रोटीन दैट इज़ एंजाइम तो ये प्रिकर्सर जो आर बी सीज हैं ये नंबर ऑफ एनजाइम फॉर्म कर सकती हैं ठीक है तो प्रकर्षण एंजाइम जो आर और, और आरबीसीज है उसकी सरफेस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ओलीगोसेक्राइट की प्रेजेंस मिलेगी ओलिगोसेक्राइड की टू टू मोर मोनोमर्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ए चेन तो दो से ज़्यादा मोनोमर्स uh, जो है शुगर के प्रेजेंट है तो उसे हम ओलीगोसेक्राइट कहते हैं तो मिलियंस ऑफ

एच सबस्टेंस भी कह सकते हैं दैट इज़ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज फ्यूकोज ट्रांसफर इज एक्चुअली ऑन क्रोमोसोम नाइन्टीन जीन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्यूकोज ट्रांसफर इज एनजाइम विच प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नाइन्टीन ठीक है जीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन दैट इज एंजाइम कॉल फूकोज ट्रांसफरेज प्रजेंट ऑन द क्रोमोजोम नाइन्टीन ओके तो उस पर्टिकुलर क्रोमोजोम जो न्यूक्लियस में होगा सपोज़ कि हम यहाँ पर शो करें क्रोमोजोम का न्यू अंदर न्यू नु, यहाँ न्यूक्लियस और उसका क्रोमोज़ोम जो है यहाँ प्रजेंट है और क्रोमोजोम नाइन्टीन पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ क्रोमोज़ोम नाइन्टीन के पर प्रेजेंट होती है जीन्स जो कि एक एंजाइम फॉर्म करेगी दैट इज़ नोन एज फूकोज ट्रांसफरेज ठीक है फूकोज ट्रांसफरेज ट्रांसफर द फूकोज ऑन द सरफ़ेस ऑफ आरबीसी एंड उसको अटैच करती है इसको गलेक्टोज से इसकी जो ओलिगोसेकराइड है उसके एक साइड से अटैचमेंट होगा फुकोस को तो फुकोस ट्रांसफर एंजाइम ने आरबीसी से फुकोस को एक फुकोस क्या है एक कार्बोहाइड्रेट है, है जिसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे ठीक है ये इसके गैलेक्टोज से अटैच कर दिया फुकोस ठीक है ध्यान रखिए कि ऑन क्रोमोजोम नाइनटीन देर इज अ प्रजेंस ऑफ जीन्स

या इसको हम एच सब्सटांस भी कह सकते हैं ठीक है बात सुन में आ गई ये ऑलरेडी प्रेजेंट था इतना स्ट्रक्चर दैट इज ऑलिगोसेक्राइड नाउ अनदर मॉलिक्यूल अटैच अमोनोम इज अटैच दैट इज फुकोज सो इट बिकम एच एंटीजन सो ये ध्यान रखना है कि दिस इज द एच एंटीजन इज द प्रिकर्सर फॉर द एंटीजन ए एंड एंटीजन B. ये सभी ऑल आर बी सीज इन ऑल पीपल हैव द एच एंटीजन ये सब में प्रजेंट होता है ओके एंड दिस एच एंटीजन इज फॉर्म दैट इज ट्रांसफर ऑफ फ्यूकोज मॉलिक्यूल बाई द एंजाइम फूकोज ट्रांसफरेज विच इज प्रजेंट विच इज सिंथेसाइज बाई द जीन्स प्रजेंट ऑन द्रोमोजोम नाइनटीन ठीक है तो ये ओलिगोसेकराइड्स जिसपे एक फूकोज का अटैचमेंट हो गया और वो जो ओलिगोसेक्राइड था दैट बिकम एच एंटीजन ओके या इसको हम एच सब्सटांस भी कहते हैं ओके okay. नाउ अब देखिए हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं यहाँ हमने शो किया है देर इज़ द फोर पर्सन विथ इट्स ब्लड ग्रुप दिस वन इज़ द ब्लड ग्रुप ए हैविंग पर्सन ब्लड ग्रुप बी इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप ए बी इंडिविजुअल एंड ओ इंडिविजुअल इन दिस डाइग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल विल बी हाईलाइटेड ठीक है इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ए को चूँकि ये आप सभी से ये इसको देखिए इस पर्सन को हाईलाइट किया गया थोड़ा लार्ज साइज का शो किया गया और यहाँ हम उसको और क्लियर कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ए में आपको एक एडिशनल ये जो है आपका इस डायग्राम ये आप समझिए दीज टू मिलियंस ऑफ एच एंटीजन विच प्रजेंट ऑन द आर ठीक है वो प्रकर्सर आर के सरफेस पे ये सारे प्रेजेंट होंगे दीज आर ऑल प्रिकर्सर आर बी सी ये सभी प्रिकर्सर आर बी सी हैं ठीक और ये जो है फॉर एग्जाम्पल टू को मैंशन किया गया यहाँ पर कि एच एंटीजन विच प्रजेंट ऑन द आर बी सी सर्फेस आप देखिए ये आपको शो किया गया ये आपका प्रिकर्सर ये येलो और ग्रीन पार्ट जो है दिस इज द प्रकर्सर ऑलिगोसाइक्राइड एंड ब्लू बॉल्स विच आर फोकोज फोकोस ठीक है तो ये हमारा क्या हुआ ब्लड ग्रुप में शो किया गया एक पिंक कलर का अटैचमेंट दिस पिंक कलर स्ट्रक्चर दैट इज एन एसेटाइल गैलेक्टोसामीन इन शॉर्ट नागा ठीक है इसको हम नागा कह रहे हैं इसका मतलब यह है ये ऑन क्रोमोजोम नाइन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जीन्स लोकस फॉर द जीन्स ऑन द क्रोमोजोम नाइन दैट सिंथेसाइज एन एसटाइल कलेक्टोसामीन ट्रांसफरज एंजाइम ठीक है तो एक एंजाइम जो नाइन क्रोमोजोम पे जो प्रेजेंट जीन है उसकी वजह से क्रोम आपको एंजाइम फॉर्मेशन होगी दैट इज़ नोन एज एन एसिटाइल कलेक्टोसामीन ट्रांसफरज एन एसटाइल गलेक्टोसामिन ट्रांसफरेज है वो ट्रांसफर करता है एन नागा को ऑन द सरफेस ऑफ आर और अटैच हो जाएगा वो एच एंटीजन के एक मोनोमर से ठीक है तो ये हमारा अटैच आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो एच ए इंडिविजुअल जो ए ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है उसकी आर के सरफेस पे ए एंटीजन है जिसमें देखिए पिंक कलर एक एडिशनल स्ट्रक्चर ऐड हो गया दैट इज द नागा एन एसेटाइल गैलेक्टोसा मीन कैसे फॉर्म हुआ ये ये फॉर्म हुआ एक ट्रांस जो एंजाइम है एन एसेटाइल गैलेक्टोसा मीन ट्रांसफर एंजाइम जिसने इसको ट्रांसफर किया यहाँ पे ओके तो ये एंटीजन हो गया अब एक जब ए ब्लड ग्रुप है तो उसका जो एंटीबॉडी होगा वो वो एंटीबॉडी होगा जो इसके सरफेस पे एब्सेंट है या मिसिंग है इसका मतलब अगर बी एंटीजन एबसेंट है तो उसके अगेंस्ट वो मिसिंग एंटीजन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ एंटीजन बी इज़ मिसिंग एंटीजन बी इज़ मिसिंग सो एंटीबॉडी बी इज़ फॉर्म याद रखना होगा कि जो एंटीबॉडी फॉर्म होती है वो मिसिंग एंटीजन के अगेंस्ट फॉर्म होती है ओके okay? अभी हम बताएंगे कि एंटीबॉडी कैसे फॉर्म होती है ठीक तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी बी होगी क्योंकि बी एंटीजन एबसेंट है ओके ना नेक्स्ट इन दिस फिगर बी ब्लड ग्रुप बियरिंग पर्सन इज़ हाईलाइटेड ये देखिए आप यहाँ हमने इसको हाईलाइट किया है बाकी स्मॉल साइज के हैं और इसमें तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है आर बी सी के सरफेस पे नाउ इन दिस दस्टाइग्राम देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन मोनोमर गलेक्टोज इज एडेड ये रेड कलर से आप देख रहे हैं ये एड हो गया ओके okay? डिटेल में आप यहाँ देखिए

एंजाइम और गलेक्टोज ट्रांसफ़र इज एंजाइम जो है गेलेक्टोज को ट्रांसफ़र कर देती है इस पर एच एंटीजन पे ठीक है सो एच एंटीजन विथ गेलेक्टोज कन्वर्टेड इंटू बी एंटीजन तो सो इट दिस पर्सन हैव अ ब्लड ग्रुप बिकॉज आर बी सी हैव बी एंटीजन ओके सो हियर एंटीजन ए इज़ मिसिंग सो ब्ल एंटीबॉडी एंटी ए इज प्रजेंट ठीक है नाउ इन नेक्स्ट इन दिस केस हियर ए बी ब्लड ग्रुप हाईलाइटेड पोर्शन दैट इज पर्सन हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप इस डायग्राम में आप देखिए ए बी ब्लड ग्रुप जिसमें है उसमें आपके जो नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ जो ओलिगोसेकराइड्स हैं एच एंटीजेंस हैं उनमें से कुछ जो है ए एंटीजन को पियर करेंगे और कुछ जो है वो बी एंटीजन को पियर करते हैं बिकॉज़ ये दोनों एंटीजन जो है वो कोडोमिनेंसी से करते हैं ठीक है तो जो एंड क्रोमोजोम नाइन है उसकी जो पर्टिकुलर लोकाई पर जो जीन्स प्रेजेंट है दैट इज डोमिनेंट जीन वो दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं फंक्शनल है ए एंटीजन जब फॉर्म होता है तो उसमें ए एंटीजन जो है वो फंक्शनल होता है बी नॉन फंक्शनल होगा और बी एंटीजन प्रेजेंटिंग जो ब्लड ग्रुप है उसमें बी एंटीजन के वाले जीन्स जो है वो फंक्शनल होंगे ए नॉन फंक्शनल होगी बट इन दिस केस नाइन क्रोमोजोम पे ही जो प्रेजेंट एक सेम लोकाई पे दोनों एल्स प्रेजेंट होंगे ए एंड बी तो दोनों ही एक्सप्रेसिव हैं दोनों ही डोमिनेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं तो दो दो ही फंक्शनल हैं सो इट बिकम ए बी ब्लड ग्रुप तो इसके जो आर बी सी की सरफेस पे कुछ जो है वो ए एंटीजन हो जाएंगे और कुछ जो है वो बी एंटीजन होंगे ठीक तो चूंकि ए ए बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो वो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा देर इज़ नो मिसिंग एंटीजन तो यहाँ एंटीबॉडी नहीं होगी ठीक है एंटीबॉडी तभी होगी जो एंटीजन वहाँ पे मिसिंग होगी ठीक तो चूंकि यहाँ पे दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है सॉरी एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी एब्सेंट होगी ओके दिस डायग्राम देयर इज ब्लड ग्रुप बेयरिंग इंडिविजुअल इज हाईलाइटेड ये आप देखिए जिस ब्लड ग्रुप की बात करते हैं वो पर्सन की साइज बड़ी कर दी गई है यहाँ हमने डिस्कस कर लिया ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस आपको सरफेस पे दिख रहे हैं नाव अबाउट द ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजअल हमने डिस्कस किया कि एच एंटीजन जो सभी में प्रजेंट है जो दिख रहा है हमें सभी प्रजेंट ठीक अब ओ ब्लड ग्रुप जो बेयरिंग पर्सन है उसमें क्या कंडीशन होगी एक्चुअली एच एंटीजन दिस वन इज़ द एच एंटीजन यहाँ पर टू एच एच एंटीजन दिख रहे हैं अब एच एंटीजन या एच सब्सटेंस से तो ओ ब्लड ग्रुप में जो नाइन क्रोमोजोम पे जो एलिल्स हैं एंड बी एल एल्स हैं दे आर नॉन फंक्शनल मतलब एंटीजन ए एंड एंटीजन बी फॉर्मिंग एल एस विच आर नॉन फंक्शनल ऑन द क्रोमोजोम नाइन इन ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल। ओके तो जब वो नॉन फंक्शनल हैं सो देर इज नो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी फॉर्मेशन ठीक तो यहाँ पे कोई भी तो सिंपल यहाँ जो एंटीजन होगा वो ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल में सिर्फ एच एंटीजन है एच एंटीजन आर एच सब्सटेंसेस देयर इज नो अनदर ए आर बी एंटीजन सो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर मिसिंग सो एंटीबॉडी बोथ एंटी ए एंड एंटी बी आर प्रेजेंट ठीक है तो ये दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ओ इंडिविजुअल में थे? तो यहां जो इसका जो प्रेजेंट है एंटीजन एंटीजन ठीक है तो आपको अगर पूछा जाएगा ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होता है तो ए बी नहीं होकर हम एच एंटीजन कह देंगे दैट इज एच एंटीजन नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे आपको कुछ ध्यान रखना होगा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच सब्सटांसिस आर एच एंटीजन अकर्स इन एवरी रेड ब्लड सेल्स जो एच सब्स्टांसिज है वो हर रेड ब्लड सेल में मिलेगा और हर पीपल में मिलेगा हर पर्सन में मिलेगा क्रोमोजोम 19 हैव जीन्स फॉर फूकोज ट्रांसफरेज इनजाइम जो हमारा एच सब्सटेंस बनाता है एच एंटीजन बनाता है इसका मतलब कि फूकोज को वो ट्रांसफ़र करता है ओलिगोसेक्राइट पे एंजाइम ट्रा, फूकोज ट्रांसफर इज एंजाइम तो हमारा एच एंटीजन बनता है ठीक क्रोमोजोम नाइन स्पेसिफिक जो है लोकेशन दिया हो गया है कि क्यू आम पी एंड क्यू दो आम होते हैं ना क्रोमोजोम पी एंड क्यू का मतलब यह है कि क्रोमोज़ोम के लॉन्ग एंड शॉर्ट आम दिस इज द पी एंड दिस इज द क्यू क्यू का मतलब लॉन्ग आर्म तो जो क्रोमोसोम नाइन है उसके लॉन्ग आर्म के थर्टी फोर पॉइंट वन लोकेशन पे हमारे जीन्स की प्रेजेंस होगी ठीक हैव जीन्स फॉर एन एसेटाइल ग्लूकोसा मीन ट्रांसफरेज एन एसेटल ग्लिकटोसा मीन ट्रांसफरेज एन ग्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम ठीक है जो एंटीजन ए और एंटीजन बी फॉर्मिंग एंजाइम है वो जो है क्रोमोजोम नाइन पे प्रेजेंट होते हैं ठीक एच एंटीजन डेफिशिएंसी इज़ नोन एज बॉम्बे ठीक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी एक आता है तो क्या है इन बॉम्बे ब्लड ग्रुप पर्सन देर इज नो एच एंटीजन तो नेचुरली जब एच एंटीजन नहीं है जो कि प्रिकर्सर है किसका एंटीजन ए एंटीजन बी फॉर्मेशन के लिए तो जब एंटीजन एच एबसेंट होगा तो एंड उस पर्सन में आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं फॉर्म हो सकता ठीक तो ऐसा डेफिशिएंट, जो एच एंटीजन डेफिशिएंट पर्सन होगा वो नॉर्मल तो होगा फिजिकली वो उनमें कोई उसकी कोई इल इफेक्ट नहीं होगा बट उस पर्सन में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत हुई तो हमेशा एच एंटीजन डेफिशिएंट पर्सन ही ट्रांसफ्यूज़न कर सकता है डोनेट कर सकता है ब्लड ओके okay?

डेफिशियंट जो पर्सन होगा उसमें ए बी ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि वो एच एंटीजन जो है प्रिकर्सर है एंटीजन ए एंटीजन बी फॉर्मेशन के लिए और दूसरी बात कि देर इज नो इल इफेक्ट विथ बींग एच डेफिशियंट बट इफ ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एवर नीडेड पीपल विथ दिस ब्लड टाइप कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्राम अदर डोनर्स हु आर ऑल्सो एच डेफिशियन उसी से ब्लड इसको रिसीव किया जा सकता है जो कि एच डेफिशियंट हो ठीक है तो अगर उसे ओ ब्लड ग्रुप दे दिया गया जो यूनिवर्सल डोनर है तो वो जो है प्रॉब्लम हो जाएगी सीवियर कंडीशन हो गई तो ए ट्रांसफ्यूज़न ऑफ नॉर्मल ग्रुप ओ कैन ट्रिगर ए सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जैसा कहते हैं कि ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर अगर ऐसे पर्सन में जिसमें एच एंटीजन नहीं है ऑप्सेंट है डेफ़ियंट है ऐसे पर्सन को हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप में इंक्लूड करते हैं और ऐसे पर्सन में अगर ट्रांसफ्यूज़न दे दिया गया ओ ब्लड ग्रुप का तो वो सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है और ऐसे पर्सन को हमेशा एच डैफिशियन ब्लड ही दिया जा सकता है ओके नाउ नेक्स्ट इज़ द एंटीबॉडीज़ ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप अब हम ये बताते आ रहे हैं कि ए में एंटी बी की प्रजेंस होगी एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो एंटीजन मिसिंग है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेगी तो ये बनती कैसे है दैट इज और नेचुरली सभी जानते हैं कहते हैं कि जैसे नेचुरली फॉर्म एंटीबॉडी ओके that's right so question क्वेस्राइज that from where these antibodies came ठीक hmm. है कि ये एंटीबॉडीज आते कहां से हैं ठीक एंटीजन्स सिमिलर टू ए बी ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर फाउंड इन नेचर जिस तरह से आर के सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी हैं उसी तरह से हमारे इन्वॉर्मेंट में नेचर में एक नेचुरली फॉर्म जो है ये एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन माइक्रोब्स और फूड स्टफ्स में ये एंटीजन की प्रेजेंस मिलेगी तो जैसे ही जब ये इनका एक्सपोज़र होता है नॉर्मली ये प्रेजेंट होंगे तो जब इनका एक्सपोज़र होता है सपोज़ कि एक बैक्टीरियल सेल जिस पे एंटीजन ए प्रेजेंट बी प्रेजेंट है और ये एंटीजन ए प्रेजेंट है तो इन बैक्टीरियल की प्रेजेंस में जो हमारी ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है ठीक है तो अब हमारी जो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा ये हमारी बैक्टीरियल सेल है एक बैक्टीरियल सेल पे ये एंटीजन ए है और एंटीजन बी है हमने क्या कहा कि नेचुरली अकरिंग एंटीजन विच आर प्रजेंट इन नेचर सिमिलर टू ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप के सिमिलर एंटीजन प्रेजेंट है ठीक तो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है किसी बैक्टीरियल की सरफेस पे तो जो अगर पर्सन ए एंटीजन बियरिंग है ए ब्लड ग्रुप का है तो ए एंटीजन जो है उसके लिए सेल्फ जैसा सेल्फ सेल जो होती है ना जो इम्यून सेल हमारी होंगी उसको सेल्फ की तरह से रिकॉग्नाइज करती हैं जब सेल्फ की तरह से रिकॉग्नाइज करती हैं तो उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होगी बट बी एंटीजन बियरिंग जो बैक्टीरिया है उसे वो उस माइक्रोब्स को वो नॉन सेल्फ की तरह से रिकगनाइज करेंगी हमारी इम्यून सिस्टम ठीक तो जब हमारी बी एंटीजन बियरिंग बैक्टीरिया को नॉन सेल्फ के रिकगनाइज हो जाएगी तो उसके अगेंस्ट इमीडिएट हमारी जो इम्यून सिस्टम है एंटीबॉडी फॉर्म कर देती है सो दैट एंटीबॉडीज़ आर एंटी बी एंटीबॉडी ओके बात आ रही है तो ये बी के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगी तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ए एंटीजन बियरिंग जो इंडिविजुअल है उसमें जो एंटी बी एंटीबॉडी है क्योंकि ए एंटीजन अगेंस्ट वो बिहेव नहीं कर रहा है उसे सेल्फ की तरह ट्रीट कर रहा है दैट इज़ सिमिलर टू दिस मतलब इसका एंटीजन जो है इसका एंटीजन ये और इसका एंटीजन तो ये हमारा जो एंटीजन ए है ये इसको अपने सेल्फ़ की तरह रिकग्नइज़ कर लिया तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनी लेकिन चूंकि एंटीजन बी जो है यहाँ आपको चूंकि बैक्टीरियल है इसलिए कलर्स बैक्टीरियल का दिया हुआ है और सेप जो है इसकी तरह दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी बी एंटीजन का शेप है बट कलर चूंकि बैक्टीरिया का शो किया गया है इसलिए आपको ये बैक्टीरियल तो ये नॉन सेल्फ की तरह हो गया और ये सेल्फ की तरह से हो सपोज की जो है हमारा ब्लड ग्रुप जो यहाँ ये पर्सन है वो ए ना हो के बी ब्लड ग्रुप का होता तो यहाँ एंटीजन उसकी उस पर जो है ये बी होती तो ये बी एंटीजन होता ठीक तो ऐसे केस में वो बैक्टीरियल एंटीजन बी जो है वो उसको सेल्फ की तरह से कर लेता और ये एंटीजन ए है वो नॉन सेल्फ की तरह से ट्रीट होती तो वहाँ एंटीबॉडी जो बनती वो एंटी ए बनती ठीक और अगर ए भी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है तो इसका मतलब ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों ही जो है सेल जो बैक्टीरिया होगी वो सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज होगी सो देयर इज नो एंटीबॉडी ओके ठीक है दोनों ही के अगेंस्ट जो होगी क्योंकि ये सेल जो होगी वो सेल्फ की तरह ट्रीट की जाएंगे क्योंकि इसके एंटीजन जो है इसके जैसे और इस, इसके बी के बी जैसे एंटीजन ऑलरेडी इसमें प्रजेंट होंगे सो दैट इज़ वाई नो एंटीबॉडी इन ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल ओके सेम उसी तरह से अगर ये पर्सन ओ इंडिविजुअल है ओ वाला है इट मीन्स कि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा ये एंटीजन ए होगा ना ही एंटीजन बी होगा सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो जो एंटीजन मिसिंग है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगेगी किसका मतलब ये दोनों ही एंटीजन इसके लिए नॉन सेल्फ हो जाएंगे ठीक है दोनों ही केस में जब ये नॉन सेल्फ हो जाएंगे तो दोनों ही केस जब ये होगा तो यहाँ पे एंटी बी और एंटी ए दोनों ही एंटीबॉडी बन जाएगी एंटी बी भी ए बी ए भी बनेगा और एंटी बी भी बनेगी क्योंकि दोनों ही एंटीजन एबसेंट होंगे सो दैट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज ओके नाउ अब इस डायग्राम से हम एक बार और समराइज कर देते हैं आपको ब्लड ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम देखिए ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिटर्मिन बाय द एंटीजेंस एक्सप्रेस्ड ऑन द आर बी सी जो हम ए बी ए बी या ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं वो डिटर्मिन कैसे होता है एंटीजन की प्रजेंस आर बी सी के सर्फेस पर जो प्रेजेंट एंटीजन है उसकी वजह से हम उसको ए देखिए ए इंडिविजुअल है तो हम उसको एंटीजन ए प्रजेंट होगा उसकी सर्फेस पे बी इंडिविजुल ब्लड ग्रुप बी वाला इंडिविजुअल जिसपे बी एंटीजन की प्रजेंस है ए बी जिसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है ए एंड बी प्रेजेंट है एंड ओ जिसमें नन नो एंटीजन इसका मतलब कि यहाँ पे वो एंटीजन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट है दैट इज द प्रिकर्सर फॉर द एंटीजन ए एंड बी ओके एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट अगेंस्ट द एंटीजन विच इज एबसेंट और मिसिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सरफेस क्या कह रहे हैं हम कि एंटीबॉडी आर प्रेजेंट अगेंस्ट द एंटीजन विच इज एब्सेंट ऑन द मिसिंग एबसेंट और मिसिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन जो एंटीजन एबसेंट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रहेगी सो इन केस ऑफ ए बी एबसेंट है सो एंटी बी इन केस ऑफ बी इंडिविजुअल ए इज एब्सेंट सो एंटी ए

ऑटोसोमल कोडोमिनस का मतलब क्योंकि हमने देखा कि क्रोमोजोम 19 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एच सब्सटांसेज आर एच एंटीजन एंड क्रोमोजोम 9 दैट इज अटोसोम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी तो दोनों ही आप देख रहे हैं कि 19 भी और क्रोमोजोम 9 दोनों ही ऑटोसोम्स हैं एंड कोडोमिन फैशन मतलब कोडोमिनस की दोनों ही एल एल जो है ए एंटीजन फॉर्मिंग एल और बी एल एल ए एल एल एंड बी एल एल दोनों ही जो है वो कोडोमिनटली एक्सप्रेस हो सकते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पेरेंट्स मदर एंड फादर का जो क्रॉस है ये शो किया गया कि अगर पर्सन ए ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी ब्लड में जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन है पर्सन डिपेंड करता है ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कि होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है आपको ए ब्लड ग्रुप के लिए जो एल होंगे वो ए हो सकते हैं या ए हो सकता है ओके बी ब्लड ग्रुप के लिए ए आप सिंपल सीधे सीधे हम बी बी कर दे रहे हैं बी बी हो सकता है और बी ओ भी हो सकता है ओके और ए बी के लिए जो है हमारा दोनों ही ए बी के प्रजेंट होगी ठीक है तो ये कोडोमिनस शो कर रहा है दोनों ही ए एंड बी जो है वो एक जो है डोमिनेट कोडोमिनेशी को शो कर रहे हैं तो अगर हेट्रोजाइगस मेल ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरिड विद द ब्लड ग्रुप बी बी ओ ब्लड ग्रुप चूँकि ऑटोसोमल है ये जीन्स तो ये सेक्स में कोई फर्क नहीं आएगा किसी भी सन और डॉटर जो भी फॉर्म हो सकते हैं सिर्फ हमें ब्लड ग्रुप देखना है ओके okay, तो आप देख सकते हैं ए एल एल बी एल एल दैट इज कोडोमिनस एंड ओ एल एल जो है वो रिसेसिव है ठीक है इसका ए और बी दोनों फंक्शनल है और ओ जो है नॉन फंक्शनल का रिजल्ट मतलब रिसेसिव ट्रेड्स होंगे ठीक हमने आपको बताया कि जीन्स जो है दोनों ए और बी के लिए सेम लोकस पे क्रोमोजुम नाइन पे प्रेजेंट है क्रोमोजुम नाइन के लॉन्ग आर्म के थर्टी फोर पॉइंट वन पोजिशन पर प्रेजेंट होंगी ओके तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए होगा और बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन की फॉर्मेशन होगी और अगर ए बी है तो दोनों तो जब दोनों ही पर्सन अगर हेट्रोजाइगस हैं तो क्रॉस करके रिजल्ट क्या मिलेगा तो ऑफ स्प्रिंग में आप देख सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला कंडीशन में मिल रहा है ए बी भी मिल रहा है A, बी भी मिल रहा है ओ भी मिल रहा है आप इसको क्रॉस करके देख रहे हैं कि एक पर क्रॉस अगर आप देख करिए ए और बी इसमें अगर इसका रिसेसिव जो कंडीशन हुआ तो आप ए ज़ीरो मिल रहा है तो ए ब्लड ग्रुप होगा अगर इसके ए और बी जो डोमिनेंट जीन है अगर दोनों ही एक्सप्रेसिव हो गए तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया और इनमें से इसका रिसेसिव वन और बी का डोमिनेंट अगर आ गया तो बी ब्लड ग्रुप होगा और अगर इसके वाइट पोर्शन का मतलब कि दोनों हीटरेट जो है वो नॉन फंक्शनल वाले हैं तो वो ओ ब्लड ग्रुप होगा ठीक तो ये हमारा इसका इनहेरिटेंस भी आपका शो हुआ ऑटोसोमल कोडोमिनेंट फैशन शो करता है सो दिस इज़ द ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सो ये ब्रीफ़ में हमने आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज़ और थोड़ा ब्रीफली उनका इनहेरिटेंस की बताने की कोशिश की सो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम को लेंगे जिसमें हम उसकी एंटीजेंस के बारे में बात करेंगे